इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का मतदान शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीटों पर होना है। पहले फेज में कम मतदान की शिकायतों के बाद दूसरे फेज के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने प्रचार में काफी ताकत झोंकी और खासकर पीएम मोदी के उन भाषणों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी। दलित पिछड़ों से आरक्षण भी छीनकर मुस्लिमों को दिए जाने का पीएम मोदी ने आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र और संपत्ति वाले बयान के बाद कांग्रेस कुछ समय तक जरूर बैकफुट पर आई थी लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु रैली में इसका जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस महासचिव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। प्रियंका ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने तो युद्ध के लिए अपना सोना तक दान दे दिया था। ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका ने पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेते हुए किसी मुद्दे पर पलटवार किया हो, बल्कि इससे पहले पिछले साल कर्नाटक चुनाव के दौरान भी वो गाली वाले मुद्दे पर पलटवार कर चुकी हैं। प्रियंका के इन भाषणों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देने में अपने भाई राहुल गांधी से बेहतर है। प्रियंका गांधी ने कैसे दिया पीएम मोदी को जवाब? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने मंगलसूत्र का जिक्र किया था। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था जिसके बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को जवाब दिया था। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका के भाषण को कई नेताओं ने किया शेयर। बेंगलुरु में मंगलसूत्र को लेकर दिए प्रियंका गांधी के भाषण को न सिर्फ कांग्रेस नेताओं ने साझा किया बल्कि अन्य दलों के नेताओं ने भी उसे जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका की रैली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बात दिल की न सिर्फ वोट की। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रियंका गांधी के वीडियो को अपने अकाउंट पर साझा किया। पहले भी पीएम मोदी के हमलों का जवाब देती रही है प्रियंका, ये पहली बार नहीं है प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसी हमले का पलटवार किया हो। पिछले कुछ सालों में जब जब कांग्रेस मुश्किलों में फंसी है प्रियंका ने सामने आते हुए मोर्चा संभाला है और पीएम मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस के लोगों ने मुझे 91 बार गाली दी है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बागलकोट जिले में आयोजित रैली में पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए भाषण दिया जो काफी वायरल हुआ था। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं,
आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है।